गुड मॉर्निंग बच्चों, 12th क्लास सेकेंड चैप्टर संतुलित आहार। इसके पहले वीडियो में हमने उचित पोषण और उचित पोषण के लक्षणों के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम असंतुलित आहार से शरीर को क्या हानियां होती हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर को क्या हानियाँ होती हैं, तो देखिए सबसे पहला तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन आप जानते हैं वृद्धिकारक तत्व है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। बच्चों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, इसलिए बच्चों को प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर निर्धनता और अज्ञानता के कारण बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती है तो या तो वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं या फिर निरंतर रोगग्रस्त हो रहते हैं, रोगों से ग्रसित रहते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर, मरास्मस, पेलेग्रा इत्यादि रोग हो जाते हैं। और पर्याप्त मात्रा में अगर बच्चों को नहीं मिल पाता तो उनका स्वाभाविक विकास रुक जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए दूध, दही, पनीर, अंडा, सोयाबीन, दाल, चना, मूंगफली, प्रोटीन युक्त भोज पदार्थों को खाना चाहिए। बच्चों को दूध पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए जिससे कि उनके शरीर में प्रोटीन की कमी ना होने पाए। दूसरा तत्व है खनिज लवण। खनिज लवणों की कमी से क्या हानि होती है? चार खनिज लवण शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह खनिज यानी आयरन और आयोडीन। ये चार अति आवश्यक हैं, अधिक मात्रा में चाहिए रहते हैं। बाकी खनिज लवण तो कई हैं और वो सारे खनिज लवण अगर हम संतुलित भोजन लेते हैं तो हमें मिल जाते हैं। अगर कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाती है तो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, अस्थि विकृत नामक रोग हो जाता है। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और रक्त की कमी हो जाती है हमारे अंदर। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है और घेंघा नामक रोग हो जाता है। खनिज लवणों की कमी को दूर करने के लिए दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, छिलके वाले अनाज इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। अगला है विटामिन की कमी से हानि। विटामिन कई हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के अति आवश्यक हैं। विटामिन ए की कमी हो जाती तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है, आँखों से अंधेरे में कम दिखाई देता है रात के समय। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी बच्चों की हो जाती हैं, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। इसलिए भोजन में विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन भी विभिन्न पदार्थों में मिलते हैं, दूध, दही, अंडे। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। विटामिन सी खट्टे भोज पदार्थों में जैसे आंवला, नींबू, संतरा, इन सब चीज़ों में अधिक मात्रा में मिलता है। विटामिन ए है तो ये अंडे में, मक्खन में, इन सब चीज़ों में अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अगला तत्व है कैलोरी की कमी से हानि। कैलोरी किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें कैलोरी प्राप्त होती। कैलोरी क्या है? ऊर्जा नापने की इकाई है कैलोरी, शरीर को शक्ति मिलती है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी मिलती, इसलिए कैलोरी की कमी से क्या होता है? व्यक्ति बलहीन हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहती, निस्तेज और दुर्बल हो जाता है। कैलोरी की कमी को पूरा करने के लिए वसा की मात्रा और भोजन में अनाज की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। वैसे अनाज की मात्रा की कमी नहीं होती है, लेकिन यदि कमी हो तो भोजन में अनाज की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, वसा की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए जिससे कैलोरी की कमी पूरी हो जाए। अब कुपोषण के कारण शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुपोषण क्या है? कुपोषण पोषण की अव्यवस्था या अनुचित ढंग को कुपोषण कहते हैं।
पोषण की अव्यवस्था या अनुचित ढंग यानी आवश्यकता से अधिक भी भोज्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए और आवश्यकता से कम भी नहीं लेना चाहिए। दोनों अवस्था में कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। कुपोषण के परिणाम स्वरूप शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और ये सारे प्रभाव निम्नलिखित प्रभाव दिखाई देते हैं। कुपोषण के क्या लक्षण है, देखिए कुपोषण की स्थिति में मांसपेशियों का गठन कमजोर हो जाता है, शरीर की मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं, झुर्रियां पड़ने लगती हैं शरीर में, अस्थियां कमजोर और विकृत होने लगती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जरा सा चोट लगे अस्थियां टूट भी जाती हैं, त्वचा रूखी खुरदुरी सी हो जाती है, बालों की चमक घटने लगती, बाल टूटते हैं झड़ते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है और रोगों से लड़ने की स्वाभाविक क्षमता भी घटने लगती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग आसानी से ग्रसित हो जाते हैं। कुपोषण जनित रोग हैं अपोषण। कुपोषण दो कारणों से होता है, एक तो अपोषण और एक तो अधिक पोषण के कारण। तो अपोषण यानी भोजन की अपर्याप्त मात्रा मिलने से क्वाशर कोर, मरास्मस, पैलेग्रा, शारीरिक दुर्बलता, बेरी बेरी, रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, आस्टियोमलेशिया, रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी, घेंगा इत्यादि रोग हो जाते हैं। ये भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण अपोषण के कारण होते हैं। अति पोषण यानी आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों को लेना। आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों को लेते हैं तो ओबेसिटी, मोटापा, शरीर में यदि कार्बोहाइड्रेट या वसा की मात्रा अधिक हो जाएगी तो त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में जमने लगती है और फिर मोटापा बढ़ता, मोटापे से कई रोग हो जाते हैं। विटामिनों की अधिकता से हाइपर विटामिनोसिस इत्यादि रोग हो जाते हैं। इस तरह से भोजन में पोषक तत्वों की अधिकता से भी रोग होते हैं और कमी से भी रोग होते हैं। शरीर का वजन कम या अधिक होना, अगर पोषक तत्वों की कमी है शरीर में तो वजन कम हो जाएगा शरीर का, और पोषक तत्वों की अधिकता है तो चर्बी जमेगी शरीर में, वसा की मात्रा अधिक होगी, कार्बोज की मात्रा अधिक होगी, अधिक हो जाएगी तो मोटापा बढ़ेगा, शरीर का वजन लंबाई के अनुपात में अधिक हो जाएगा। तो लंबाई के हिसाब से शरीर का वजन कम या अधिक होना चाहिए। अगला है आर्थिक स्थिति पर प्रभाव। आर्थिक स्थिति पर भी कुपोषण का प्रभाव पड़ता है। अगर हम बीमार रहेंगे तो अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर नहीं पाएंगे। अगर कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे तो क्या होता है कि व्यक्ति धन उपार्जन करने की स्थिति में कमजोर पड़ जाता है, धन उपार्जित नहीं कर पाता। अगर काम नहीं कर पाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। अगर धन उपार्जन नहीं कर पाएंगे तो आर्थिक स्थिति खराब होगी। इस तरह से कुपोषण का ये सारा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। कुपोषण की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। पहला तो है जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण निर्धनता है, अज्ञानता है, ये सब व्याप्त होता है जिससे कि कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा, अनाज और खाद्य सामग्रियों के उत्पादन को बढ़ाने का व्यवस्थित प्रयास करना चाहिए। सरकार को भी जनता को भी अनाज और खाद्य सामग्रियों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सस्ते पूरक आहारों का विकास अनिवार्य है। पूरक आहार जो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने वाले आहार होते हैं, जिनमें अधिक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, सस्ते भी हों और पोषक तत्वों से भरपूर हों, ऐसे पदार्थों का आहारों का विकास करना चाहिए जिससे गरीब जनता जो है वो सस्ते पूरक आहारों को ले सके और पोषक तत्वों से वंचित न रहने पाए। सामान्य जनता को संतुलित आहार का ज्ञान प्रदान करना, क्योंकि सामान्य जनता हमारी ले सकती है संतुलित आहार, लेकिन अज्ञानता बस या अपने स्वाद को ज़्यादा महत्व देना, इसके कारण संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं लोग। इसलिए सामान्य जनता को संतुलित आहार का ज्ञान प्रदान करना चाहिए।
वातावरण को स्वास्थ्यकर बनाने का प्रयास करना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि वातावरण स्वास्थ्यकर बने, रोग न फैले और रोगों से ग्रसित होने पर फिर वही स्वास्थ्य हमारा खराब होता है, जिससे समाज को भी हानि होती है और स्वयं को भी हानि होती है। जहाँ तक संभव हो रसोई बगीचा तथा कुक्कुट पालन को प्रोत्साहन देना चाहिए। रसोई बगीचा यानी किचन गार्डन, छोटे छोटे घरों में जो भी जगह है वहाँ पर अपना साग सब्जी इत्यादि लगाना चाहिए, जिससे आपका पर्यावरण भी स्वच्छ रहे और साग सब्जी भी मिलती रहे, फूल पौधे ये सब। कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे अंडे मिल सकें, सामान्य जनता को अंडे अच्छे से मिल सकें और पोषक तत्वों से वंचित न रहने पाए। ये कुपोषण की रोकथाम के लिए ये सारे उपाय करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना, अगले वीडियो में फिर हम आपसे जुड़ेंगे।